ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच में, जिसका नाम है होमोमोर्फिज्म। इसको होमोमोर्फिज्म बोलिए, ग्रुप होमोमोर्फिज्म बोलिए, या होमोमोर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप बोलिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ के बाद जब भी हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे है ना, तो सब जगह इसका मैपिंग के हमको रोल मिलेगा। जैसे फंक्शन पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, फंक्शन के बारे में जानते होंगे, मैपिंग बारे में जानते होंगे, कितना इम्पोर्टेंट होता है ना आगे चल करके है ना फंक्शन मैपिंग। आज समझेंगे ग्रुप के लिए वही होमोमोर्फिज्म कितना हो जाएगा इम्पोर्टेंट। देखिए आज समझने की कोशिश करेंगे कि दो ग्रुप को कैसे हम लोग मैपिंग करते हैं और इसको कैसे होमोमोर्फिज्म बोलते हैं। लेक्चर नंबर 28। में आज पढ़ने जा रहे हैं होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो ग्रुप्स मतलब होमोमोर्फिज्म मतलब मैपिंग करने जा रहे हैं, तो कम से कम दो ग्रुप होना चाहिए, एक जी और एक जी डैश। दो ग्रुप लिए हम लोग, जी से जी डैश, यानी दो तरह का ग्रुप लिया गया है। एक जी है ना, इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया है, और एक जी डैश है जो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का साइन दिया गया है। दो साइन अलग अलग हैं, आप स्टार दीजिए चाहे स्टार का डैश दीजिए, केवल दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है ताकि समझ में आए कि हम लोग ग्रुप टू ग्रुप मैपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैपिंग कर रहे हैं। ए मैपिंग एफ सच डैट जी टेंस टू जी डैश, या मैपिंग फ्रॉम ए ग्रुप जी इंटू जी डैश इज ए कॉल्ड ए होमोमोर्फिज्म। इसको होमोमोर्फिज्म बोल सकते हैं कब? इफ एफ ऑपरेशन बी बराबर एफ ए ऑपरेशन ए बी, दोनों ऑपरेशन का साइन है, स्टार और जो मल्टीप्लाई का साइन है ना स्मॉल जीरो मल्टीप्लाई, दोनों क्या है एक तरह से ऑपरेशन का साइन है। क्योंकि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, तो एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन ले जाएंगे। जैसे यहाँ ए लिए है ना मैपिंग करने जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एफ ए बन जाएगा। यहाँ बी लेंगे तो यहाँ मैपिंग करेंगे तो कितना होगा? एफ बी बनेगा आपका, है ना। इसी तरह से यहाँ पर मान लिया कि ए ऑपरेशन बी लेंगे, यहाँ क्या हुआ? एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी आएगा, है ना। तो अलग अलग है तो अलग अलग मतलब ए ऑपरेशन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इतना इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ ए ऑपरेशन एफ बी। इस तरह से हम लोग है ना एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मैपिंग करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। तो पहला डिफरेंस समझने की कोशिश किए कि दो ग्रुप लिए हम लोग है ना, एक जी और जी डैश। तो क्या किया? ए मैपिंग एफ सच दैट जी से जी डैश इज ए कॉल्ड ए होमोमोर्फिज्म। चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश इज ए कॉल्ड ए होमोमोर्फिज्म कब? इफ मैपिंग यानी एफ ऑफ कितना? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी। ऑपरेशन भी दो तरह का साइन लिया गया है, और जो भी एलिमेंट होगा ए और बी कहाँ करेगा? बिलोंग टू जी। यहाँ क्या ले रहे हैं हम लोग? ए और बी बिलोंग टू जी है ना। तो आप इसी को हम लोग होमोमोर्फिज्म को दो तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होमोमोर्फिज्म इनटू या ऑन टू है ना, ऐसे ही बहुत होता है कि होमोमोर्फिज्म क्या इनटू होगा कि ऑन टू होगा। तो होमोमोर्फिज्म पहला पॉइंट लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं कहीं लिखा रहता है होमोमोर्फिज्म इनटू और कहीं लिखा हुआ है होमोमोर्फिज्म ऑन टू, तो लोग कन्फ्यूज होता है। कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इनटू को इनटू के साथ करेंगे, ऑन टू के साथ मैपिंग करेंगे ना। तो देखिए कैसे होमोमोर्फिज्म इनटू बोला हुआ, तो ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश इज सेड टू बी ए होमोमोर्फिज्म कब? ऑफ ए जी इंटू जी डैश, जी से जी डैश कराए कब? जी इफ कितना? एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। यहाँ ऑपरेशन का साइन जो है ना मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है कि ए प्लस बी तो एफ ए प्लस ए बी, एफ ए इंटू बी तो एफ ए इंटू एफ बी। तो क्या बोला है? इंटू। क्या बोला? इंटू। ए फ्रॉम ए ग्रुप जी इंटू लिया गया है, इंटू
ए ग्रुप जी डैश इज सेड टू बी क्या होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी इंटू जी डैश। अब इसी को हम लोग चेंज कर दें, इसी को हम लोग ऐसा बोले होमोमॉर्फिज्म को, है ना, होमोमॉर्फिज्म समझना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए ना, क्योंकि आप जो ग्रुप पढ़ेंगे सभी में आपको मैपिंग करना पड़ेगा। जैसे मान ली जाए कि यह था होमोमॉर्फिज्म इंटू था, हम लोग होमोमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म ऑन टू इंटू था क्या हुआ, एक ऑन टू होगा, ऑन टू मीन्स क्या हो गया, मैपिंग करेंगे ऑन जी ऑन टू जी जी डैश तो हो जाएगा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और इंटू किए गए तो क्या होगा होमोमॉर्फिज्म इंटू हुआ, ये ऑन टू करेंगे तो क्या कहलाएगा ऑन टू कहलाएगा। तो लिखेंगे ए मैपिंग ए फ्रॉम ए ग्रुप जी ऑन टू होगा ऑन टू जी डैश ऑन टू ए ग्रुप जी डैश, यही मेन चीज आपका है, याद रखिएगा ऑन टू ए ग्रुप जी डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म, यह भी होमोमॉर्फिज्मिक लगा, दोनों को दोनों होमोमॉर्फिज्म है, अंतर क्या है इनटू को इनटू से करेंगे ऑन टू को ऑन टू से करेंगे, होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या पढ़ेंगे ऑन टू जी डैश ऑन टू जी डैश, कब ये सेम कंडीशन होता है, कंडीशन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए डिफिनेशन सब क्या है सेम है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, इसीलिए कन्फ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि अलग अलग ऑथर अलग अलग तरह से लिखता है, आपको सब मिला करके एनालिसिस करना है ताकि कोई भी राइटर का बुक पढ़े तो कन्फ्यूजन नहीं हो, जनरल बता दिए है ना। फिर क्या बताया कि इन टू के लिए इन टू के साथ होगा इन टू का लगेगा, ऑन टू को ऑन टू के साथ होगा ऑन टू को ऑन टू के साथ हुआ तो क्या आपका लगाया होमोमॉर्फिज्म ऑन टू का लगाया, बाकी सिस्टम तो सब सेम है। अब जो एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी जी में बिलोंग करेगा, क्या करेगा जी में बिलोंग करेगा, मान लीजिए दो ग्रुप लिया गया यहाँ पर है ना, मान लीजिए एक जी है या क्या है जी डैश है, जैसी मैपिंग करेंगे हम लोग ए को करेंगे तो क्या होगा ए फे तैयार होगा, बी से करेंगे तो क्या होगा, अब पहले से पढ़ते आ रहे हैं ए बी तैयार हो गया, यानी कि ए और बी बिलोंग टू क्या हो रहा है जी, तो एफ ए और एफ बी किस में बिलोंग कर रहा है जी डैश में, जी से जी डैश में, इसके साथ ऑपरेशन लिया गया है ये स्टार का, इसके साथ है ना मल्टीप्लाई जो लिख सकते हैं आप ना, ये ऑपरेशन का साइन ही है, आप पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन में तो इस तरह का भी साइन होता है, स्टार से भी साइन करते हैं मल्टीप्लाई से भी लिखते हैं और एडिशन से भी लिखते हैं, देखिए ये दोनों के मतलब हो गया एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जिसके इसके जगह पर आप एडिशन भी सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं ना, जनरल हो गया आपका। अब ए ऑपरेशन बी है, यहाँ पे क्या हुआ एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी, और जैसी ए ऑपरेशन बी को तोड़ेंगे तो क्या हुआ, इसका ऑपरेशन अपना है जी डैश का क्या है जी डैश का ऑपरेशन क्या हुआ, इसे मान लीजिए कि एफ ए बिलोंग टू जी डैश एफ बी बिलोंग टू जी डैश तो कितना हुआ एफ ए ऑपरेशन एफ बी, ये भी क्या हुआ बिलोंग टू जी डैश, यही आपका जी से जी डैश मैपिंग हो गया। तब इन टू कहे चाहे ऑन टू कहे, इन टू कहेगा तो इन टू जी जी इन टू जी डैश होगा, और ऑन टू बोलेगा तो जी ऑन टू जी डैश होगा, क्लियर, अगर नहीं बोले तो केवल होमोमॉर्फिज्म होगा, केवल दोनों के लिए होता है, यह था होमोमॉर्फिज्म है ना, इन टू ऑन टू में कन्फ्यूज मत कीजिएगा है ना, जनरल टॉपिक बता दिए सबके लिए, सबके लिए क्या कहलाएगा होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा है ना, होमोमॉर्फिज्म का एक तरह से मैपिंग किया गया ग्रुप, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ उसी को बोलेंगे ग्रुप, ये होमोमॉर्फिज्म किसका ऑफ ए ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ ग्रुप जी ऑन टू जी डैश चाहे इन टू जो बोल सकते हैं आप, क्लियर।
यहाँ हम एनालिसिस किए आपका पूरा पूरा होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप का, है ना। अब यहाँ पर चलते हैं कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ये ग्रुप होता क्या है। जब तक एग्जांपल क्लियर नहीं कर पाइएगा तब तक लोग कन्फ्यूजन रहेगा बना हुआ आपका। तो हम लेते हैं सो डैट द मैपिंग मैपिंग एफ ऑफ द साइमेट्रिक साइमेट्रिक ग्रुप बोलिए चाहे परमुटेशन ग्रुप के भी नाम से भी हम जानते हैं पीएम ऑन टू बोले सबका होमोमॉर्फिज्म का एक चीज है ऑन टू द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी डैश बराबर दो नंबर लिया वन और माइनस वन डिफाइनेड बाय एफ अल्फा बराबर या तो वन होगा या तो माइनस वन होगा या इवन होगा चाहे ओड होगा ना। किसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग एज अल्फा इज एन इवन या ओड दोनों में से कोई हो सामेटिक है तो परमुटेशन इन पीएन हम लोग पढ़ चुके हैं परमुटेशन में ही कि दो का सम अगर दो इवन है ना तो परमुटेशन क्या होगा इवन ही होगा। अगर दो ओड है तो उसका भी परमुटेशन क्या हुआ इवन ही होगा क्योंकि दो ओड का सम क्या होता है इवन ही होता है। चाहे दो ओड का मल्टीप्लाई क्या हुआ जैसे मान लीजिए थ्री ओड है ये दो पढ़े थे कितना एक दो इवन और दो ओड के लिए इवन परमुटेशन होगा और जहाँ एक ओड और एक इवन हुआ चाहे एक इवन एक ओड हुआ उसके लिए क्या हुआ ओड परमुटेशन देगा। तो यहाँ ओड के लिए और इवन के लिए क्या दे रहा है इवन के लिए वन दे रहा है ओड के लिए क्या दे रहा है माइनस वन। देखिए एफ अल्फा जो है इवन भी दे रहा है और ओड भी दे रहा है इवन के लिए वन और ओड के लिए माइनस वन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है लेकिन इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है ना। इच ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ पी एन ऑन टू जी डैश क्वेश्चन में कहीं कह रहा था यहाँ भी ऑन टू है दे गया ऑन टू है ये भी क्या है ऑन टू यहाँ दिखाया कोई अंत नहीं पड़ता वहाँ इन टू थे भी क्या इन टू दिखा इसलिए हम फिल्म कम कर दिए हैं दो पार्ट में। तो सोल्यूशन में क्या होगा कि वी शो डैट हम लोग को यह शो करना पड़ेगा कब इवन ओड के लिए कि एफ ऑफ अल्फा बीटा बराबर कितना हुआ एफ अल्फा इंटू एफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू जी पी एन से लिया गया है पी एन से हम लोग को जो दिखाना है दो गो मैपिंग लिया गया है एक पी एन है एक क्या है पी एन है एक क्या है जी डैश है। तो पी एन से जी डैश मैपिंग किया गया है या अल्फा है यहाँ एफ अल्फा हो गया है ना यहाँ बीटा रहेगा तो क्या हुआ एफ बीटा होगा इस तरह से मैपिंग किया गया। इसके लिए क्या हुआ इवन ओड इवन है तो वन ओड है तो माइनस वन इवन है तो वन ओड है तो माइनस वन यही चीज दिया गया है ना। और इसी को हम लोग को प्रूफ करना है कि एफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा बराबर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा फोर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू पी एन मिल लिया गया है
एफ अल्फा ए बीटा किसमें होगा, जी डैश में होगा। तो वही क्या क्या है, पी एन ऑन टू जी डैश मैपिंग करके शो कीजिए यह होमोमोरफिज्म है। तो होमोमोरफिज्म है तो कितना कंडीशन की, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, है ना। और अब जी डैश में क्या, दो एलिमेंट लिया गया, एक वन और एक माइनस वन, एक वन है और एक माइनस वन है, है ना। एक इवन के लिए है तो एक ओड के लिए है। क्लियर हो गया आपका। अब चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसी को शो करना है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, अलग अलग हुआ कि इफ अल्फा एंड बीटा आर बोथ इवन, इफ अल्फा बीटा आर बोथ इवन, दोनों के दोनों क्या हो, इवन हो, है ना। तो दब देन, तब क्या मान लेंगे हम लोग, देन और अल्फा बीटा है ना, एंड अल्फा और बीटा जो है बिलोंग टू कितना, पी एन है, देन तब एफ अल्फा के मान कितना होगा, इवन है तो वन, और एफ बीटा के मान कितना होगा, इवन है तो मान क्या हुआ, वन होगा। और एफ अल्फा एफ बीटा किसमें, जी डैश पे बिलोंग कर रहा है, और जी डैश का दो एलिमेंट है, वन होगा चाहे माइनस वन होगा। वन किसके लिए लेंगे, इवन के लिए, वन किसके लिए, इवन के लिए। इसलिए पुट करके देखिए आप, एफ अल्फा के लिए वन, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए भी क्या हुआ, जो भी रहेगा प्रोडक्ट के लिए क्या, वन होगा, इवन बोला है ना। तो दोनों इवन है तो उसके परमुटेशन भी क्या हुआ, इवन होगा। बताया गया था कि दो परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, इवन ही होगा। अब वन लेते हैं, वन इंटू वन, वन मतलब क्या, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, तो कितना प्रूफ हो गया, एफ अल्फा बीटा बराबर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, किसके लिए हो गया, कंडीशन प्रूफ हो गया, किसका, होमोमोरफिज्म के कंडीशन प्रूफ हो गया, एक ठीक प्रूफ कर दिया हम लोग। अब इसी तरह से चार तरह से कर सकते हैं, पहला हो गया, दूसरा क्या, दोनों के दोनों ओड हो, इफ अल्फा बीटा आर बोथ ओड, दोनों के दोनों ओड रहेगा, एंड अल्फा और बीटा बिलोंग टू कितने है, पी एन में है, ध्यान दीजिएगा, देन तब ओड है तो एफ अल्फा का मान भी कितना होगा, माइनस वन होगा, और एफ बीटा का मान भी क्या होगा, माइनस वन होगा। इसलिए प्रूफ कर लीजिए, एफ अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होगा, वन होगा। क्यों, कि बताया गया था कि दोनों ओड हो, दो परमुटेशन, दो एलिमेंट लिए, दोनों क्या ओड हो, दोनों ओड है तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इवन आएगा, मतलब क्या हुआ, इवन होगा। तो इवन मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इवन होगा, है ना। लिख सकते कि वी नो डैट परमुटेशन ऑफ टू इवन इज इवन होगा, परमुटेशन ऑफ टू ओड इज इवन ही होगा, है ना। अब परमुटेशन ऑफ ओड इवन चाहे इवन ओड क्या होगा, ओड होगा। हम बताए थे कुछ कंडीशन लिखवाए थे परमुटेशन ग्रुप पढ़ा रहे थे उस समय, क्या होगा, इवन होगा प्रोडक्ट के लिए। अब वन लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन किसके मान है, एफ अल्फा का, माइनस वन कितना, एफ बीटा का मान है। क्लियर, तो क्या प्रूफ कर दिए, एफ अल्फा बीटा बराबर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। अब अल्फा बीटा कहाँ से उठाया गया, पी एन से उठाया गया, पी एन क्या है, एफ परमुटेशन है ना। क्लियर, बहुत ही सिंपल है समझने के ख्याल से ना। इसी को अगर सर्टिफाइव करवा देते हैं समझ जाते हैं कि होमोमोरफिज्म है, चाहे होमोमोरफिज्म में ग्रुप बना। तीसरा नंबर क्या कंडीशन होगा, इफ अल्फा इज इवन एंड बीटा इज ओड, एक इवन ओड है ना, देन फोर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू पी एन में बिलोंग करेगा, है ना। तो वी हैव क्या मान दिया हुआ था, दो ए मान दिया हुआ है, एफ अल्फा अगर इवन है तो वन है, एफ बीटा, बीटा अगर ओड है कितना होगा, माइनस वन होगा एफ के साथ, यही कंडीशन है। क्लियर लिख लिया आप लोग, तो क्या होगा, इसीलिए हमको क्या प्रूफ करना है,
प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए क्या बताया गया था कि ओड होगा, क्योंकि एक इवन और ओड परमुटेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, एक ओड परमुटेशन ही देता है। तो माइनस वन मतलब कितना हो गया, एक इवन था तो वन इंटू माइनस वन दे सकते हैं, वन किसका, एफ अल्फा एफ बीटा, या एफ बीटा इधर एफ अल्फा इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेरा फेरी होता है। फोर ऑल कितना, एफ अल्फा बीटा बराबर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, फोर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू पी एन। अब एफ अल्फा एफ बीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी डैश में। अब चौथा नंबर है इसमें, इफ अल्फा इज ओड एंड बीटा इज इवन तब कैसे बनेगा, है ना। देन फॉर ऑल सब के सब किसे एलिमेंट लेंगे, लोग पी एन से लेंगे, तो क्या प्राप्त होगा जी डैश के लिए, जिसमें जैसी मैपिंग करेंगे अल्फा को, अल्फा ओड है तो क्या होगा माइनस बन जाएगा, और बीटा करेंगे तो कितना बोला गया था इवन है तो वन जाएगा। इसीलिए क्या निकालना है, एक इवन और ओड है तो प्रोडक्ट परमुटेशन कितना हो जाएगा, ओड ही बनेगा, ओड मतलब क्या माइनस वन बनेगा आपका, तो माइनस वन मतलब कितना, माइनस वन इंटू वन, यानी कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, यानी कि एफ अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। आप जैसे भी छोटा छोटा एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ये परमुटेशन से रिलेटेड था क्वेश्चन। एक परमुटेशन एक ग्रुप था, परमुटेशन क्या एक ग्रुप है, तो परमुटेशन एक ग्रुप है, यानी कि पी एन क्या है ग्रुप है, तो वही ग्रुप पी एन ग्रुप से जी डैश ग्रुप में मैपिंग करना था, हो गया कंप्लीट। आपको एग्जांपल नंबर अदर भी ले सकते हैं, मान लिया कि दिया हुआ है फंक्शन एफ एच बराबर एक्स दिया हुआ है, है ना। अब फोर ऑल बोलता है कितना, एक्स बिलोंग टू जी, तो एफ एच बिलोंग टू जी जी डैश, अब मैपिंग बोला कितना जी से लेकर के, तो मैपिंग बोला जी से लेकर के जी डैश डिफाइनड बाय कितना एफ एच बराबर एक्स। अब प्रूफ करना कि यह होमोमॉर्फिज्म है ना, तो वी हैव एफ एच बराबर एक्स होगा कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, इसीलिए एफ वाई का मान भी क्या होगा वाई होगा कब, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी। तो चूंकि एक्स और वाई बिलोंग टू जी, इसीलिए जी क्या ग्रुप है, तो क्लोजर लॉ तो फॉलो करेगा ही, क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि एक्स भी एलिमेंट किसका जी का, वाई एलिमेंट किसका जी का, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हुआ बिलोंग टू जी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स वाई का मान भी क्या हुआ, एक्स के लिए एक्स था वाई के लिए वाई था, तो एक्स वाई के लिए क्या हुआ एक्स वाई होगा, क्लियर है। एक्स वाई बिलोंग टू जी, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हुआ बिलोंग टू जी, और दोनों का प्रोडक्ट बिलोंग टू जी है ना, तो मैपिंग करना तो क्या हुआ वो एक्स वाई के बराबर होगा, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ एक्स के लिए एक्स तो वाई के लिए वाई, तो एक्स वाई के लिए क्या हुआ एक्स वाई हो गया। अब मान रख दीजिए एक्स का मान कितना है एफ एक्स, वाई का मान कितना है एफ वाई, कितना हो गया एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी। अब कहानी देखिए कि एक्स वाई बिलोंग टू जी है, तो एफ एक्स एफ वाई बिलोंग टू क्या हुआ जी डैश होगा, यानी होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आज हम लोग एनालिसिस किए एग्जांपल के साथ भी किए, अलग अलग डिफिनेशन पढ़े इसको, है ना, और कोशिश किए कि कैसे हम लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को मैपिंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में विशेष, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, डायरेक्ट कैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टीज के माध्यम से, किसी थ्योरम के माध्यम से, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप को एनालिसिस किए विथ एग्जांपल।